नमस्कार, मैं हूं शिखा विश्वकर्मा और खबरी की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम बात करने जा रहे हैं माता तारा चंडी के बारे में। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें और उनकी कुछ खास विशेषताएं। माँ तारा चंडी बिहार में रोहतास जिले के सासाराम स्थित माँ तारा चंडी के मंदिर में पूजा करने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूरी होती है। सासाराम से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर कैमूर पहाड़ी की गुफा में तारा चंडी माता का मंदिर बना हुआ है। यह भारत के 52 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। माता सती की दाहिनी आंख यहां पर गिरी थी, इसलिए इनका नाम माता तारा चंडी पड़ा। इस मंदिर के आसपास पहाड़, झरने और अन्य जल स्रोत बने हुए हैं। यहाँ मंदिर भारत के प्रमुख शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। मनोकामनाएं पूरी होने की लालसा में दूर दूर से भक्त यहां आते हैं। वैसे तो यहां साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्र में यहां पर पूजा अर्चना करना विशेष माना जाता है। कहा जाता है कि यहां आने वालों की हर मनोकामना माता रानी पूरा करती हैं, इसलिए लोग इसे मनोकामना सिद्धि देवी भी कहते हैं। यह भी कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ आए थे तो माँ तारा चंडी ने उन्हें कन्या के रूप में दर्शन दिए थे। फिर उन्हें सारनाथ जाने का निर्देश दिया गया, जहाँ बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था कि मोक्ष देने के लिए जाना जाता है। पूजा का तरीका एकदम सात्विक है। ऐसा कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी उन लोगों पर समृद्धि की वर्षा करती हैं जो यहाँ प्रार्थना करते हैं। माँ तारा की प्रतिमा में 4 हाथ हैं। दाहिने हाथ में खड़ग और कैंची है, जबकि बाएं में मुंड और कमल है। शव पर बायां पैर आगे है, कद छोटा है, लंबोदर और नील वर्ण है। कटी में व्याघ्र चर्म लिपटा हुआ है। माँ तारा मंदिर परिसर में अवस्थित माँ तारा और सूर्य की प्रतिमाएं तथा बाहर रखी अग्नि की खंडित प्रतिमा, ये सभी गुप्त काल के अंत की या पर्वती गुप्तकालीन है। शक्ति पीठ में शक्ति का स्थान देवी शक्ति या सती हिंदू धर्म की महिला प्रमुख और शाक्त संप्रदाय की मुख्य देवी की पवित्र राख की पूजा का स्थान है। उन्हें पूरे स्थान पर छिड़का भी जाता है। तो ये थी आज की खास प्रस्तुति माता तारा चंडी के बारे में। कल फिर मिलेंगे एक नई माता के बारे में जानने के लिए। तब तक जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर।